पहली गेंद इस मुकाबले की, पहली गेंद और पहली गेंद पर बजी है सफलता की घंटी। वाह भाई शकील, पहली गेंद और ये लीजिए यहाँ पर पहली गेंद पर आई है पहली बाउंड्री। जी नहीं गुरुजी नहीं है, बुलडोज गेंद मिली है और ये बुलडोज गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर। आमिर फतेहपुर एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे बाहर अमूल सैनी के लिए। इस बार खेला है इस गेंद पर, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई है चार रनों के लिए। एक समय जो कहेंगे इसी बीच एक बार है एक और शानदार शॉट आदिल जावासरिया के बल्ले से चार रनों के लिए। तो साथ साथ वीरों की भूमि झूम रही है। इस बार राहुल सैनी इस गेंद को अपने ही अंदाज में सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया है। टेयरिंग भी हो चुकी है, अब आपके कमेंट पढ़ेंगे और उनका रिप्लाई करेंगे। आमिर सोहेल नहीं खेल रहे हैं आज, अनिल मीणा खेल रहे हैं। एक और शानदार गेंद और एक और शानदार शॉट आया है राहुल सैनी के बल्ले से। महंगा दिलीप जी लक्ष्मी लाइट डेकोरेशन का कार्य कर रहे हैं यहाँ। एक और शानदार शॉट खेला है और ये लीजिए आया एक और खूबसूरत चौका। ये एक और शानदार शॉट राहुल सैनी के बल्ले से, तन तनाता सन सनाता चमचमा झटके से उबारने का अपने अपने समय राहुल चिरावा के द्वारा किया जा रहा है। एक बार तो नई गेंद और ये लीजिए चौके के बाद आया है ऊंचा लंबा दूर जाने वाला गेंद गंवाने वाला सिक्स। भाइयों को 2600 के पार हमारे लाइव दर्शकों की संख्या और उम्मीद करते हैं और भी आगे जाने वाली है। जिस प्रकार ये गेंद मैदान के बाहर जाने वाली है, एक बार फिर से राहुल सुपर हिट यहाँ पर एक अनचाहा शॉट खेला है, अनचाहा शॉट और मनचाहा विकेट। ये लीजिए दूसरी सफलता। बीच ये लीजिए आ गया एक और राहुल सैनी के बल्ले से ऊंचा लंबा दूर तक इंडिया से एशिया से और पूरे वर्ल्ड से। ये लीजिए एक बार फिर से वीरों का वीर राहुल वीर राहुल पहली गेंद और पहली गेंद पर मीणा जी ने उड़ा दिया है ऊंचा लंबा दूर जाने वाला गेंद गंवाने वाला सिक्स। फिर से खेल दिया है एक और शानदार सिक्स। वाह भाई वाह, अजब गजब अनिल मीणा एक बार फिर से। ये लीजिए वर्मा जी भी गिर पड़े और मीणा जी ने गेंद को बाहर भेज दिया, शायद चोटिल हुए हैं। लगातार तीन पटकी हुई गेंद और इस बार पटक दिया है मैदान के बाहर राहुल सुपर हिट। जैसे ही डॉट गेंद हुई सैनी जी को शक आया गेंद पर। ये लीजिए यहाँ पर खेलने का प्रयत्न वहां पर फील्डर गेंद के नीचे भारत है पर पोजीशन में नहीं थे वहां। तीन से चार दिन में आपको यहाँ बड़े स्टार खिलाड़ी और देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये गेंद बल्ले में चढ़ गई है और मैदान के बाहर उड़ गई है। शानदार चार रनों के लिए ये प्रतियोगिता अपने चरमोत्कर्ष पर है, ये प्रतियोगिता अपने ही अंदाज में खेली जा रही है। और ये लीजिए एक बार फिर से गेंद को राहुल वार हुआ है छह रनों के लिए। रोहिंदर डारा और अजीत करवासरा को बल्लेबाजी को आना बाकी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी गहराई है इस टीम की बल्लेबाजी में। और ये लीजिए आया है एक और शनिवार शुक्रवार को शनिवार पहुंचा देते हैं मुकाबले के लिए और मैदान में अगले ही क्षण पहुंचा देते हैं और इस प्रतियोगिता को खूबसूरत बनाने का कार्य भी दर्शकों ने किया है। फिर से खेला है शानदार शॉट गेंद गेंद में है और मैदान के बाहर है रेखा से बाहर चली जाएगी। और आमिर सोहेल भी आज के मुकाबले में मिस है, अन्यथा और भी मजा आ सकता था इस मुकाबले में। और ये लीजिए यहाँ पर क्लीन बॉल हुए हैं पर स्विच हिट का प्रयत्न किया। और ये लीजिए फिर से उड़ा दिया इस गेंद को शनिवार से पहले शनिवार देख देते हैं राहुल सैनी कौन से भौतिक साहब को हमने क्या बोला था।
ये बहुत ही शानदार शॉट मिस कर गए फील्डर और पहुंच गए बाउंड्री के बाहर। स्कोर 132 रन 3 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर पर गति पर। यहाँ पर गलत शॉट सिलेक्शन हुआ है, वर्मा जी नीचे है और यहाँ गलती के कोई चांसेस नहीं है, तो इस बार रोहित की ये गेंद इस बार बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, ये गेंद नीचे आ रहे हैं, खतरा हो सकता है वहां पर, और ये लीजिए आई है गेंदबाजी के लिए। ये गेंद जा रही है गैप में और पहुंच जाएगी आउट ऑफ द ग्राउंड। शानदार चार रनों के लिए देखने को मिलेगी। राजेंद्र डाला की टीम भी पधार रही है। कल की नाइट पूरी सुपर डुपर नाइट होने वाली है। यहाँ पे उछाला इस गेंद को और वर्मा जी के हाथों में थमा लिया। राहुल सैनी अब भी स्ट्राइक से दूर रहने वाले हैं। 77 बड़े से दोस्तों, क्या लगता है आपको राहुल सैनी कितना स्कोर बनाएंगे अपना खुद का, कमेंट के माध्यम से बताएं। उछाल दिया है आते ही शानदार छह रनों के लिए संजय कोदारा ने। 500 रुपए की राशि अगर इस गेंद पर छक्का लगा देते हैं तो छक्के पर 500 रुपए की राशि है फैयाज गैसावत मकराना की तरफ से। आखिरी गेंद पर पहली गेंद पर रिवर्स खेला है, गेंद हवा में, फील्डर और गेंद पीछे भाग रहे हैं लेकिन नहीं रोक पाएंगे। चौके के साथ शुरुआत हुई है शिखर टीम की। फौजी साहब की तरफ से 100 रुपए की राशि है वो बनी रहेगी। फिर से उछाला है, इस बार भी गेंद बाउंड्री के पार, लगातार दो गेंदों में दो चौके। चलिए काफी तैयार गेंदबाज अनिल, यहाँ पे अनचाहा शॉट खेला है, गेंद हवा में है, फील्डर नीचे है और ये लीजिए सबसे शानदार अनबिलीवेबल कैच आदिल जावासरिया के द्वारा। पीछे दौड़ रहे थे निकंटू लोग शिखर के बल्लेबाजों के लिए। इससे उछाला है, यहाँ पे खतरे के बादल बरस जाएंगे, अकरम मैदान के बाहर जाएंगे। झुंझुनू टीम जीत मुबारक हो आपको, झुंझुनू का जलवा बरकरार, लेकिन ये व्हाइट बॉल वापस डालनी होगी वहां पर संजय को। जीत का जलवा झुंझुनू का, जी हाँ, यहाँ पे ये लीजिए आखिरी औपचारिकता पूरी हुई और मुकाबला जीत लिया है टीम वीरों की भूमि ने। बहुत बहुत शुभकामनाएं।